नाउ लेट्स टॉक अबाउट नीनो दी कुन्हा। तो 1529 में ऐसे पुर्तगीज गवर्नर अपॉइंट होते हैं इंडिया में नीनो दी कुन्हा, और इन्होंने इंडिया में आने के एक साल बाद ही अपना हेडक्वार्टर चेंज करा कोचीन से गोवा। उस टाइम मुगल एम्परर थे हुमायूं, हुमायूं के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे गुजरात के लीडर बहादुर शाह से। पहले तो बहादुर शाह ने पुर्तगीज से मिलकर हुमायूं के अगेंस्ट में लड़ाई की, बाद में हुमायूं को लगा कि गुजरात के पीछे भागने में कोई फायदा नहीं है, हुमायूं अपनी आर्मी वापस लेकर चले गए। बहादुर शाह ने जैसे कि हेल्प ली थी पुर्तगीज से, और उसके बदले में उन्होंने बेसिन नाम का आइलैंड दिया था पुर्तगीज को, और बोल दिया था बेसिन से आने वाला सारा रेवेन्यू उनका होगा। अब पुर्तगीज थे बहुत ज्यादा लालची, उनको बहादुर शाह से और भी कुछ चाहिए था। अब हुमायूं के वापस लौटते ही उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। एक दिन शिप पर बहादुर शाह को धोखे से बुलाया और वहाँ पर पुर्तगीज ने मार दिया उन्हें। तो नीनो दी कुन्हा ने बंगाल में भी पुर्तगीज एस्टेब्लिशमेंट बनाने की कोशिश की, बहुत सारे पुर्तगीज नेशनल्स को बंगाल में रखने की कोशिश की। आप देख रहे हैं ना, प्रॉपर टेरिटोरियल एस्टेब्लिश करने की तैयारी कर ली थी।